स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम और सभी लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एज यू नो, हमने इंग्लिश ग्रामर में अपने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए है ना। नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट चैप्टर व्हिच नेम इज आर्टिकल। अब हमने नाउन्स पढ़ लिए, सिंगुलर प्लूरल नाउन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या है, आप लोग अवेयर हो इसके लिए, लेकिन आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे। वॉट इज आर्टिकल्स? आपने ये नाम सुने होंगे, ए, एन, द। अगर आप बॉल का बात करें, अगर किसी मतलब ए एन का यूज में, ए एन द जो होता है वो मेन क्या होता है? आर्टिकल्स, ठीक है। इन्हें हम आर्टिकल्स बोलते हैं। अब आर्टिकल्स यूज कैसे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे ए की। ए कहाँ यूज होता है? ए इज यूज विद अ सिंगुलर नाउन। जब भी कोई सिंगुलर नाउन की बात करोगे, whether it is a name, place or thing, especially it is a thing, then we use a, like, अगर बात करें बॉल की, बॉल है तो बॉल क्या लिखा जाएगा? अगर सिंगुलर है तो अ बॉल, ठीक है। अगर सिर्फ एक बॉय है तो अ बॉय, ठीक है। ऐसे कोई भी सिंगुलर नाउन, अगर यहाँ बॉयज होता तो ए नहीं आता, ठीक है। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो ही ए आएगा, और ए का यूज किसके साथ होता है? नेमिंग वर्ड्स के साथ, ठीक है। अब वो थिंग का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए, ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए। आई थिंक आपको ए क्लियर हो गया। और ए किसके साथ आता है? स्पेशली ये ध्यान देंगे, ए आता है कॉन्सोनेंट्स के साथ। कॉन्सोनेंट्स आर व्हाट? ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ वोवल्स होते हैं, वोवल्स को छोड़ के जो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स लेटर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ ही ए का यूज होगा, ये बात एकदम ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एन। अब बात करते हैं एन की। एन क्या होता है? एन आपके वोवल्स के साथ यूज होते हैं, वोवल्स, ए ई आई ओ यू, ये क्या है आपके? ये आपके वोवल्स हैं। ये अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में है, जैसे कि एलिफेंट, ठीक है, ऑरेंज, ये वोवल है, ये वोवल है ना, स्टार्टिंग वर्ड्स आर वोवल्स, इनके आगे क्या आ जाएगा? एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, गॉट इट। तो जो भी वर्ड अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? अब नाउ नेक्स्ट द। द हम कहाँ यूज करते हैं ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। द हम कहाँ यूज करते हैं? जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, लाइक किसी बहुत ऐसी कोई बहुत फेमस जगह, या फिर एकदम एक स्पेसिफिक नेम, लाइक जैसे ताजमहल है ना, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ, ताजमहल, और कोई भी मतलब मॉन्यूमेंट्स, माउंटेन्स, ये जो नाम है जो एकदम स्पेसिफिक है, जो कभी चेंज नहीं हो सकते, उनके आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। द, वी यूज द विथ द स्पेसिफिक नेम, राइट। वो दुआ का आंसर होगा अगर ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल के आगे क्या लगा दोगे? द, ठीक है। कोई माउंटेन है, माउंटेन के आगे क्या लगेगा? द, ठीक है। अभी के नाम कभी चेंज तो नहीं होने वाले, ताजमहल को लाल किला तो नहीं बोलोगे, ताजमहल ताजमहल ही रहेगा हमेशा से, तो ताजमहल के आगे क्या लगेगा? द। दीज आर स्पेसिफिक नेम्स। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ए आप हम कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। एन कहाँ यूज करते हैं? उन वर्ड्स के साथ जो जिनका वोवल्स से साउंड होता है, ठीक है। और द कहाँ यूज करते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर किसी स्पेसिफिक नेम के साथ। गॉट इट। इनको आप बुक में से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज आपको अभी सेंड करूँगी, ठीक है। आप उन्हें करके मुझे सेंड करेंगे। गुड।